अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है विधायकों और संगठन पर, इस पूरी हार का ठीकरा उन्होंने फोड़ा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने अपनी बात रखी, संगठन महामंत्री धर्मपाल से भी शिकायत की है, विधायक अपनी विधानसभा में मदद नहीं कर रहे थे, ये उनके तौर से द्वारा किया कहा गया है स्पष्ट तौर पर। देखिए इस बार जो लोकसभा चुनाव का यूपी में बीजेपी का नतीजा रहा, जो प्रदर्शन रहा, उसको लेकर अब बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। और हार की वजह क्या रही, क्या विधायकों ने कोई लापरवाही बरती या फिर कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई भीतरघात था या फिर गुटबाजी थी, क्या फैक्टर्स थे जहाँ पर बीजेपी कभी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी वहाँ की सीटें भी इस बार बीजेपी नहीं निकाल पाई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर मंथन जो है वो लगातार जारी है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अब हार को लेकर लगातार मंथन जब हो रहा है तो अब प्रत्याशी जो हैं वो हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई विधानसभा में विधायकों ने हमारी मदद नहीं की है। मतलब हार के बाद जो समीक्षा होती है तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, भीतरघात की बातें आती है, ये सारी बातें इसके बाद एक परत दर परत खुल रही है। सीधे तौर पर अगर पूरे चुनाव के बारे में अगर बात की जाए और नतीजों के बारे में बात की जाए तो चुनाव जिस तरह लहर और जिस तरह से जोश खरोश से लड़ा जा रहा था उससे बिल्कुल नहीं अंदाजा लग पा रहा था कि चुनाव के नतीजे इस तरह होंगे, क्योंकि चुनाव के भीतर नाराजगियां उस तरह से नहीं देखे हैं। नतीजों ने इस नाराजगियों को खुलकर सामने रखा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, पदासीन लोग, न सिर्फ संगठन में बल्कि सरकार में और विधायिका में भी जो पदासीन लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं भीतरघात किया है और शायद तभी इस तरह के नतीजे देखने को मिले हैं। क्योंकि जिस गणित और आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी वो आंकड़ा जमीनी स्तर से पूरा ठीक उलट हो गया। शायद वजह यही है कि जिन लोगों के साथ बैठकर, जिन लोगों को साथ में जोड़कर ये आंकड़े बनाए गए थे उन लोगों ने ऐन वक्त पर भीतरघात किया है या उन लोगों ने ऐन वक्त पर वादा खिलाफी तक कर। बिल्कुल अभिषेक, लिहाजा ऐसे लोगों के चिन्हित किया जा रहा है जो अपनी सीटों को नहीं निकाल पाए, वो लगातार कारण बता रहे हैं अपनी तरफ से कि कहीं पर कार्यकर्ताओं में भीतरघात देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली, तो कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, गुटबाजी देखने को मिली। लिहाजा अब इन जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, अब ये जो कारण सामने आ रहे हैं इनको लेकर लिहाजा एक बड़े बदलाव की भी उम्मीद है। बदलाव की उम्मीद है क्योंकि 2027 का चुनाव पास है और आपको इस बात को समझना होगा कि अब ये बातें बहुत विवादास्पद भी होती नजर आ रही है। संजीव माल्या ने संगीत सोम पर आरोप लगाया, इसी तरह कई ऐसे हारे हुए सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रीय विधायकों पर सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी के टिकट दिए हुए कैंडिडेट को हरा दिया। और ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कई जगह तकरीबन 40 वो सीटें थी अंदरूनी तौर पर जो जानकारियां मिल रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नाराजगी के चलते संगठन और अंदरूनी तौर पर बूथ और ब्लॉक स्तर पर भी कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई है या कहा जाए साजिश रखी गई है, जिसके चलते प्रत्याशी को ये बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाई कि जिन लोगों को वो सुबह से शाम बस्ते बांट रहे हैं, जिनके साथ कैंपेन कर रहे हैं, वो असल में उनके विरोध में कैंपेन कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की बातों से बचने के लिए आने वाले वक्त में चुनाव में ये समीकरण फिर से भारतीय जनता पार्टी को इसके दुष्परिणाम ना झेलने पड़े 2027 के चुनाव में, इन सारी बातों को लेकर एक सीक्रेट टीम बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट टीम बूथ और ब्लॉक लेवल से जमीन स्तर की जानकारियां हासिल करेगी और उसके बाद इसे सीधे केंद्रीय। देखिए हार के बाद तो तमाम तरह के जो फैक्टर्स है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे मंथन लगातार किया जा रहा है, बैठकें चल रही है। ठीक है अभिषेक, आप बने रहेगा, आगे भी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी